यूनिट क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, डन पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है तो पर यूनिट टाइम में कितना वो वर्क करता है वही उसकी पावर होती है। T इज इक्वल टू होता है बेटा W बाई T, आपने इसको पढ़ा होगा। इसकी अगर यूनिट की हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है बेटा, जूल, एंड यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, और यू कैन से वॉट, ठीक है। अगर क्या हो जाए, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड T इज इक्वल टू हो जाए 1 सेकेंड, अगर ये सिचुएशन हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा, 1 वॉट। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 सेकेंड। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, वॉट इज 1 वॉट, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है, 1 वॉट पावर क्या होता है, जी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ जे जो वर्क है 1 जूल हो और टाइम 1 सेकेंड हो, तो ऐसी कंडीशन में जो अपना पावर होगा वो क्या होगा, 1 वॉट होगा। तो कह सकते हैं द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और वो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन करता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे हीट प्रोड्यूस कर सकता है, एनीथिंग, जो भी वर्क डन करता है, जो भी एनर्जी रिलीज करता है, तो हम कह सकते हैं उसकी पावर कितनी है बेटा, 1 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, इफ 1 जूल वर्क हैज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर विल बी 1 वॉट, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब देखिए बेटा यहाँ पर होता क्या है, वॉट जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पावर की, इसके अलावा और भी इसकी यूनिट्स होती है, ठीक है ना, और यूनिट में क्या आती है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट जो होता है बेटा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं जो सिंबल होता है 1KW, स्मॉल के कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 वॉट, याद रखिएगा। तो किलोवाट क्या है बेटा, दिस इज बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी अप्लायंस चलता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, जो कंज्यूम करता है तभी कोई वर्क डन करता है। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ये मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो भी अप्लायंस है अगर वो क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी क्या होती है बेटा, पावर। तो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर वो रेट होता है जिससे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड कितनी ज्यादा कंज्यूम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर पे कोई अप्लायंसेज आया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी पावर ज्यादा है, जैसे घर में अगर एसी चल रही है तो एसी की पावर ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है बेटा। सो इट मीनिंग, दिस इज द मीनिंग फॉर इलेक्ट्रिक पावर, ओके। अगर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है जो पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ 1 जूल एनर्जी हैज कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इन 1 सेकेंड, देन
its power is said to be 1 watt. ठीक है, अभी हमने यहां पर एक डिफिनेशन बताई थी, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या कर रहा है, एक सेकंड, 1 सेकंड, 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1 वॉट उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? यस सर। चलिए, तो एक चीज बेटा, सबसे बड़ी चीज, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो रेट जिस पर कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करता है या एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक पावर। ये हो गई कहानी, आपके नोट्स में सारी चीजें गिवन है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, होता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको हटा रहे बेटा, हो गया ना, इसके शॉर्ट तो नहीं, आपके पास नोट्स होगी, नोट्स आपकी कंप्लीट हो गए बेटा? यस सर, हो रही है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, बाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और यू कैन से कंज्यूम एनर्जी बाई एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज नोन एज इट्स पावर। चलिए, सो P इज इक्वल टू W बाई T होता है, वी नो दैट, जैसे हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, we know that V is equal to, V means beta electric potential difference, V is equal to W by Q, और इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, P is equal to W by T, ये हो गया, because we know that V is equal to W by Q, so at the place of W we can write V into Q, so P is equal to V Q upon T, तो इसका एक formula ये हो गया electric power का, ये second formula है, first formula ये है, ठीक है? देखिए V इज इक्वल टू होता है आई आर, सो एट द प्लेस ऑफ वी कैन राइट आई आर, और एक बात और भी होती है क्या, और P इज इक्वल टू V, Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, सो एट द प्लेस ऑफ Q वी कैन राइट आई टी अपॉन टी, टी टी विल कैंसिल टू ईच अदर, सो P इज इक्वल टू V इनटू I, यानी कि जो पावर होती है किसके इक्वल आ गई, पोटेंशियल और वोल्टेज, वोल्टेज और करंट के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आप बना लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग और आगे सॉल्व करके इससे और भी फॉर्मूले हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू आई आर, ओके, सो V इज इक्वल टू आई आर, so at the place of I we can write V by R, clear beta, so at the place of, sorry, at the place of V we can write I R, और I हो गया, इसको और solve करेंगे, so P is equal to I square into R, एक ये हो गया formula, ठीक है, number 4, तो यहाँ से कई formula अपने को मिलेंगे। अब देखिए at the place of I, यहाँ से अगर हम I की value निकालेंगे तो I is equal to V by R, so at the place of I we can write V by R, V by R square into R हो गया, इसको जब आप solve करेंगे, so it will be V square by R square, क्योंकि square है into R, तो 1 R से R कट जाएगा, तो P is equal to क्या आ गया बेटा, V square upon R, एक formula ये भी हो गया, ठीक है, तो after 4, number 5 हो गया, ठीक है ना, और देखिए अब इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हम लोग चीजें से put कर सकते हैं, जैसे R इज इक्वल टू V बाई I हो सकता है, तो फिर उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर की क्या हो गए, तीन कई फॉर्मूले आ गए, एक हो गया P इज इक्वल टू V I, एक हो गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और एक हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, कल डोमेस्टिक हाउस वायरिंग भी हो गई थी, तो तीन फॉर्मूला हो गया बेटा V स्क्वायर बाई R तक। अब देखिए इस पर बेस्ड अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पावर वोल्टेज रेटिंग, इसको बेटा मैं फॉर्मूला हटा रहा हूं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए,
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है बेटा? बोथ ऑफ यू? हेलो, चलिए नेक्स्ट इज पावर वोल्टेज रेटिंग. पावर वोल्टेज रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, हेलो क्लास ले रहे हैं. पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ठीक है, तो पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होती है बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. बेटा आर यू लिसनिंग? यस सर. ओके, ठीक है. तो पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होती है बेटा, इसका मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं. पावर वोल्टेज रेटिंग होती क्या है? जैसे कि सपोज दैट पावर रेटिंग ऑफ एनी अप्लायंसेस, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाया, जैसे आपने एक बल्ब खरीदा है. ठीक है, ये हो गया बल्ब आपका, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास. ठीक है, ये और इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जब खरीदा है तो इस पर रेटिंग लिखी होती है. कैसे रेटिंग लिखी होती है? 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, ये होती है रेटिंग. अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों में है क्या, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं. अभी जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे P इक्वल टू वी आई, वहां से फिलहाल चलिए बात की बात है. अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था P इक्वल टू वी आई, ठीक है ना, इसका यूज होगा. V मतलब हो गया वोल्टेज और I मतलब हो गया करंट, यानी कि जो पावर होती है वोल्टेज और करंट पर भी डिपेंड करती है. मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं उसके पावर के लिए. अब देखिए रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, इट मींस दैट वो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको चलने के लिए कितनी कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या वोल्टेज चाहिए, वो चाहिए बेटा 220 वोल्ट. और वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, बिकॉज वॉट मीन्स होता है जूल पर सेकेंड, तो पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो अगर हमने आपको कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की रेटिंग दी है, जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आता है उस पर रेटिंग लिखी होती है, और रेटिंग में इस तरह से गिवन होगा 220 वोल्ट क्या है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं सारे के सारे 220 वोल्ट पर ही चलते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है पोल से कॉमर्शियल यूज के लिए, उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट आता है. इंडिया में कितना वोल्टेज आता है बेटा? 220 वोल्ट में. यूएसए में आता है 110. इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूएसए है वहां पर कम पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, मतलब वहां के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कम एनर्जी कंज्यूम करके ही चलते हैं, लेकिन अपने इंडिया में जो अप्लायंसेस बनते हैं उनके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये हो गया रेटिंग का मतलब. एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ. सपोज करते हैं आपके पास कोई एक टेलीविजन है, ठीक है, दिस इज अ टेलीविजन, और इस टेलीविजन की जो रेटिंग गिवन है वो गिवन है 50 वॉट और 110 वोल्ट. तो ये हो गई रेटिंग. इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं. ठीक है ना, दो तरीके हम लोग क्या बता सकते हैं. एक तो हम बता सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक टीवी है ये, इसको चलने के लिए इट नीड 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो वोल्टेज इसको चाहिए 110 वोल्ट चाहिए, और ये पर सेकेंड 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा. बिकॉज वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड. सो इट विल कंज्यूम, मतलब दिस टेलीविजन विल कंज्यूम 50 जूल एनर्जी पर सेकेंड. और यू कैन से पावर ऑफ दिस टेलीविजन इज 50 वॉट. पावर, पावर मतलब हमने क्या बताया था, P इक्वल टू W बाई T, मतलब जूल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसकी पावर. ये होती है रेटिंग का मतलब. क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हमें रेटिंग गिवन है तो हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज वी हैव
जैसे इस टेलीविजन की पावर अपने को गिवन है 50 वॉट और जो वी गिवन है वो गिवन है 110 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया है, P इज इक्वल टू क्या फाइंड किया है, V इंटू I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। तो इसकी पावर है 50 और वोल्टेज कितना है 110, तो देखिए यहां से अपने को करंट मिल गया, ठीक है ना। तो अगर अपने पास कभी भी पावर गिवन है, सॉरी रेटिंग गिवन है, सो विद द हेल्प ऑफ रेटिंग वी कैन फाइंड करंट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितना करंट जा रहा है इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस टॉपिक? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, गुड। सो बेटा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दिस इज, देयर आर टू टॉपिक्स, वन इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड नेक्स्ट इज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द पावर रेटिंग, ओके। सो देयर आर थ्री बेसिक फॉर्मूला, जस्ट लाइक P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड P इज इक्वल टू, एक लास्ट फॉर्मूला जो अपने को मिला था, एक मिला था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। यहां से हम लोग निकाले थे P इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर, मतलब इसको हम लोग 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर अगर होगा तो पावर कितनी हो जाएगी 1 वॉट। यहां से ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। आपको जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, आप उसको कर सकते हैं, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूं, ओके। वी विल सॉल्व 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट बेटा, बिकॉज नाउ वी हैव टू फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर बेटा, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को फटाफट फिनिश करना है, और मैथ्स में जितना भी हुआ है बेटा आप लोग उसको सॉल्व करिए, आप में से कोई भी वर्क नहीं भेज रहा दोनों में से, आरो ने तो कुछ भेजा भी है, खुशी आपका आज तक एक भी वर्क नहीं आया बेटा, ठीक है ना। तो वर्क करिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए, नहीं तो पढ़ने का क्या फायदा फिर। चलिए सो टॉप नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देख लीजिए इसको, ट्राई करिएगे आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 1, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, ठीक है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय अ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वॉट, बाय अ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वॉट, मतलब 50 वॉट का एक बल्ब है, तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब होगा वैसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 50 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। This is the question. Now solution. बेटा सेम क्वेश्चन है जो भी हम लोग रेटिंग में इसको कर रहे थे, सेम बेस्ड है। So firstly we have given, पहला हम लोग क्या करते हैं बेटा, given लिखते हैं, given is P has given that is 50 watt and next is voltage, potential difference which has given that is 220 volt. To find, ये तरीका होगा, क्या find करना बेटा, current find करना है, use formula. क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वी विल यूज P इज इक्वल टू V इंटू आई, ओके। सॉल्यूशन P इज इक्वल टू वी आई, सो I इज इक्वल टू P बाई वी, P विच हैज गिवन दैट इज 50 वॉट एंड V 220, जीरो कट हो जाएगा, सो I विल बी वॉट, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2/11, हाँ बेटा इसको सॉल्व करिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव P and we have V, so what will be the current drawn by this, so okay, anyone can solve it, aap isko jab solve karenge then you will get answer 5/22 ampere, okay, is that clear, divide kar sakte hain aap log, kyun beta kitna aayega divide karne pe, anyone can tell,
4.4. What? 4.4? Are you okay? 0.22 something आएगा, ठीक है? Yes sir. Sorry sir, 22/5 कर दिए. चलिए ओके, कोई नहीं. तो बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स. चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट. सेकंड नंबर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड. देखिए इसमें रेटिंग अपने को गिवन है. रेटिंग क्या गिवन है? 220 वोल्ट. मतलब ये बल्ब 220 वोल्ट पर गिवन है. और कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 50 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करेगा. सॉरी 100 गिवन है, 100 कर लीजिए, 100 वॉट. ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट. इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, कितने पर ऑपरेट करते हैं? ऑन 110 वोल्ट पर इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? ऑपरेट करते हैं. द पावर कंज्यूम्ड विल बी, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी? इसमें जो ऑप्शन नंबर ए गिवन है, ऑप्शन नंबर वन ए है 100 वॉट, ऑप्शन नंबर बी 75 वॉट, ऑप्शन नंबर सी 50 वॉट एंड ऑप्शन नंबर डी 25 वॉट. तो ये अपने को सारे वॉट गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, इन फर्स्ट केस क्या गिवन है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, गिवन में गिवन लिख लेते हैं. V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट और जो पावर गिवन है P1 इसे मान लेते हैं 100 वॉट. फिर इसके बाद इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पर, तो इसको हम लोग V2 मान लेते हैं, दैट इज 110 वोल्ट. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन, जिसका फर्स्ट कंडीशन है या केस नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर फर्स्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, क्योंकि पहले जब इस इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट पर हम लोग रन करा रहे हैं, तो इसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट. अगर इसी को हम लोग 110 वोल्ट पर कराएं तो कितना पावर ही कंज्यूम करेगा, ये इसका क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है बेटा? देयर इज अ बल्ब, उस बल्ब पर जो रेटिंग है 220 वोल्ट है और 100 वॉट है, दिस इज रेटिंग. लेकिन अगर उस बल्ब को हम क्या करें, 110 वोल्ट पर यूज करें, तो पूछ रहे हैं तब उसकी पावर क्या होगी. इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से बताइए पावर क्या होगी, ये अपने को बताना है बेटा. जैसे कभी कभी देखिए हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आती है, कभी कभी देखिए वोल्टेज कम हो जाता है. नॉर्मली 220 आता है, लेकिन कभी कभी देखिए 180 होता है, 150 होता है, तो डाउन हो जाता है कभी कभी. जब वोल्टेज कम होता है तभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलता है, लेकिन उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती होंगी, उसकी पावर चेंज हो जाती होगी. तो यही क्वेश्चन भी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर V गिवन है, तो P से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, वहां से फाइंड कर सकते हैं अगर केवल अपने को यहाँ पर वोल्टेज गिवन है तो. तो इन फर्स्ट केस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है और अपने को वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. तो हम लोग इसमें कौन सा रिलेशन लगा दें? अगर हम लोग लगा दें P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, सो वी कैन फाइंड पावर. ठीक है, सो P की जगह P1 हो जाएगा, V की जगह V1, R उसका सेम ही है, ट्रांसफर करेंगे तो R इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1. ओके, V1 इज 220 तो स्क्वायर हो जाएगा, और P1 अपने को गिवन है बेटा 100. इसको जब सॉल्व करेंगे तो 220 इंटू 220 अपॉन 100 हो जाएगा. 1 2 से कट गया, 22 इंटू 22 करेंगे कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई किएंगे भी आप लोग, 484 आ जाएगा. सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट से अपने को उस बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया. अब केस नंबर सेकंड की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसको कितने वॉट पर चला रहे हैं बेटा, जो अपने को यहाँ पर V2 गिवन है, मतलब इसको हम लोग 110 वॉट पर चला रहे हैं.
सो 110 वॉट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस इसका पता चल गया है 484 ओम। तो अपने को P निकालना है, यहाँ पर P2 बता सकते हैं। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है P का और V का, वही सेम फॉर्मूला P = V² / R, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे, बट अभी अपने पास रेजिस्टेंस है। सो एट द प्लेस ऑफ V 2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू 110 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 110 × 110 अपॉन रेजिस्टेंस इज 484, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 11 ये कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 44, ठीक है। अब देखिए फिर देख लीजिए 11 × 11 जीरो, 11 × 4 = 44, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100/4, और 100/4 आप करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, कितना मिलेगा 25 वॉट। सो कौन सा आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर हम लोग इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो उस बल्ब को, जब उसी बल्ब को 220 वोल्ट पर अप्लाई किया जा रहा था तब वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, 100 वॉट, लेकिन अब उसको 110 वोल्ट पर यूज किया जा रहा है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 25 वॉट, मतलब हर एक सेकेंड वो 25 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इज दैट क्लियर? हेलो, क्लियर बेटा? बोलिए बेटा, आई एम आस्किंग बोथ ऑफ यू, हेलो, आरो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है, आप लोग वेट करते हैं कि सर कम से कम 10 बार बोल लें। नो सर। नो सर। चलिए तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए हैं, आप इसको और अच्छे से करिएगा, मैं कुछ चीजें आपको और बता दे रहा हूँ, इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए ओके, सो नेक्स्ट इज एक इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला और, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम के, एनर्जी एंड वर्क बोथ आर सेम थिंग, तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उतना ही वर्क डन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये इक्वल टू होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट कितना वर्क डन कर रहा है इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये होता है, मतलब P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन मतलब W/T। तो यहां से हम लोग W इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, P × T, पावर इंटू टाइम। अब पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, सो एट द प्लेस ऑफ P वी कैन राइट VI और ये T बचा हुआ है,
और ये वर्क डन का मतलब हो गया एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी आई टी, मतलब पावर इंटू टाइम भी हो सकता है यहां से, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला, ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करता है वो पावर और टाइम के प्रोडक्ट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। और जो यहां से फॉर्मूला मिलता है पावर, पावर का मतलब होता है वाट, और टाइम यहां पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा आवर्स, तो वाट वाट आवर क्या हो जाता है, इसकी यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कंज्यूम करता है वो डिपेंड करता है पावर रेटिंग, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसके पावर रेटिंग पर, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बात याद रखना कि वो टाइम जिसमें उसको यूज किया गया है, जैसे इसकी पावर ये हो गई तो ये पावर यूज हुआ है कितने टाइम तक यूज किया है, उसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो यस सर, सर, सबकी आवाज नहीं आ रही, एक बार ऑन ऑफ करिए, अभी आ रही अभी आ रही बेटा, हेलो 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 हाँ बेटा हेलो, अभी आ रही है? यस सर, आपकी आई सब मेरी जा रही है। हाँ बेटा चलिए बेटा, सो ये बेटा कहां तक आपने सुना है, हो गया है पूरा? सर एक बार और से रिपीट कर दीजिए। और मतलब हो गया W इज इक्वल टू, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो P इंटू T हो गया पावर इंटू टाइम। अब जो P इज इक्वल टू होता है VI, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है तो इसको हमने रख दिया। अब यहां से हमने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी मतलब पावर इंटू टाइम, इसकी जो यूनिट आती है वो आती है बेटा वॉट आर, यानी कि पावर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कितने टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड यूनिट ऑफ टाइम इज आर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा वॉट आर, ठीक है। तो अब यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, जो वॉट आर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट आर, अब क्या होता है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से बनता है वॉट इज वन वॉट आर, ये सिंबल इसका होता है, वॉट इज वन वॉट आर ऑफ एनर्जी, यानी कि वन वॉट आर एनर्जी क्या होती है, तो अपने को पता है कि क्या E इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी, ठीक है। अगर पावर अपनी क्या है वन वॉट हो जाए और टाइम हो जाए वन आर, तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो वन वॉट आर होगी, मीन्स वन वॉट आर इज इक्वल टू वन वॉट इंटू वन आर्स, ठीक है, वन वॉट इंटू वन आर्स हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वन वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ वन वॉट पावर इज यूज्ड फॉर वन आर। मतलब अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी है वन वॉट है, कितनी पावर है वन वॉट, और उसको कितनी देर के लिए यूज किया गया है वन आर के लिए यूज किया गया है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी वन वॉट आर हो जाएगी, यानी कि वन वॉट पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमने वन आर के लिए यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बेटा इलेक्ट्रिकल पावर और वन वॉट आर की डेफिनेशन, इज दैट क्लियर बेटा। चलिए तो ये तो हो गया हमारा बेटा वॉट आर हो गया, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बेटा यस, कुछ कहना है?
हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए, सो नेक्स्ट इज, हाँ बेटा अभी आ रही आवाज? क्लियर? आवाज इज क्लियर बेटा? हेलो, यस सर, क्लियर है। यस सुन में आ सर, गया? वन वॉट आर क्या होता है? अगर वन कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस नो जिसकी सर, पावर, बेटा सुनिए, जैसे अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी पावर वन वॉट है, वन वॉट पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वन आर के लिए अगर यूज किया जाता है तो उसके जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो वन वॉट आर होता है। मतलब वन वॉट आर इज इक्वल टू वन वॉट इंटू वन आर। आगे बात समझ में अभी? यस सर, यस सर। चलिए, एक तो ये हो गया बेटा, नोट्स आप लिखे होंगे आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बेटा, ये होती है किलोवाट आर। वही किलो वाट आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो हमारे घर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसको हम लोग बोलते हैं, घर में आता ना कि एक यूनिट का कॉस्ट इतना है, इतनी यूनिट लाइट जल गई है, तो वन यूनिट का मतलब ही होता है किलोवाट आर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो वन यूनिट मतलब क्या होता है, वन किलोवाट आर। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घर का टोटल होता है वो टोटल पावर उसकी कितनी होती है, वन किलोवाट। ठीक है, मतलब कह सकते हैं 1000 वॉट। अब 1000 वॉट टोटल इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, और जो इलेक्ट्रिकल पावर ये 1000 वॉट हुआ है वो वन आर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वन यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग बिजली का बिल आता है जो हमारे घरों पर आता है। तो जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जूल होती है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसकी 1 वॉट पावर है और 1 सेकेंड तक उसको यूज किया गया, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी यूज होगी, 1 वॉट, सॉरी ये 1 आर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1 वॉट आर एनर्जी उसकी कंज्यूम हो रही है, ये एक बात हो गई। तो किलोवाट आर मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी पावर कितनी है, किलोवाट, 1 किलोवाट है, और वो एनर्जी 1 आर के लिए जितना यूज करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आर। दिस इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। मतलब इस पर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग पावर, कितनी पावर होगी बेटा, 1 किलोवाट पावर होगी, और यूज कितने लिए होगा, यूज टाइम 1 आर, उसको 1 आर के लिए यूज करेंगे, तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी एनर्जी कितनी हो गई है, 1 किलोवाट आर। मतलब 1 किलोवाट आर का मतलब हो गया 1 किलोवाट इंटू आर्स का मतलब क्या होता है बेटा, 1 आर हो गया। अब 1 किलोवाट को अगर हम लोग चेंज करेंगे वॉट में तो क्या मिलेगा, 1 किलोवाट में होता है 1000 वॉट, और 1 आर में कितना सेकेंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 3 और 250, और ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, इंटू सेकेंड, ये बगल में ये कट गया, मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट आर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल।